इस लेक्चर में हम ओलिगोसैकेराइड्स को डिस्कस करेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि वो सैकेराइड्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं जिनके अंदर फ्यू शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। और मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे तो तब मैंने आपको बताया था कि इस फ्यू के अंदर नंबर कितना हो सकता है। टू से टेन तक शुगर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, अब हमने जो ओलिगोसैकेराइड डिस्कस करना है वो एक डाइसैकेराइड है। बहुत सी बुक्स के अंदर डाइसैकेराइड को सेपरेट क्लासिफिकेशन के अंदर रखा जाता है, उसे ना तो पॉलीसैकेराइड्स के अंदर रखा जाता है ना ही ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर रखा जाता है। तो मोनोसैकेराइड्स के बाद डाइसैकेराइड बताया होता है, फिर ओलिगोसैकेराइड एंड फिर पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो अभी हम डाइसैकेराइड को डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप सेपरेट बताना चाहें तो सेपरेट बता दें, अदरवाइज इसे ओलिगोसैकेराइड्स की कैटेगरी के अंदर ही बता दो। और डाइसैकेराइड बेसिकली दो शुगर के मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने से मिलके बनेगा। इसके हम दो एग्जांपल्स देखेंगे। बहुत से ऐसे डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं जिसमें दो शुगर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके इस कार्बोहाइड्रेट को बना रहे होते हैं, और वो जो दोनों शुगर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके डाइसैकेराइड को बनाएंगे वो डिफरेंट टाइप्स के शुगर के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल अभी हमने देखनी है वो माल्टोज की एग्जांपल है। और माल्टोज के अंदर जो दो डिफरेंट शुगर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे वो ग्लूकोज हैं। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ग्लूकोज से ही कंबाइन करेंगे। इट मीन्स के माल्टोज डाइसैकेराइड को बनाने के लिए जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो दोनों सेम टाइप के हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इनकी फॉर्मेशन हम किस तरह से लिखेंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि इसका सिक्स कॉर्नर्ड इस तरह से रिंग होती है जिसके अंदर फाइव कार्बन्स होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी इनके साथ हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अटैच होते हैं उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। सेम स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिखना है बिकॉज ये भी ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल है। दो सेम मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके माल्टोज को बनाएंगे। अगर हम इन रिंग्स की नंबरिंग कर लें तो आपको पता है ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स जो है ये रिंग के बाहर होता है। सेम इसी तरह से ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स रिंग के आउटर साइड पे प्रेजेंट होगा। ओके, जब माल्टोज एक डाइसैकेराइड की फॉर्मेशन होती है तो फर्स्ट मोनोसैकेराइड जो कि ग्लूकोज है सेकंड मोनोसैकेराइड के फोर्थ कार्बन के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, फर्स्ट मोनोसैकेराइड ये वाला है और ये हमारा सेकंड मोनोसैकेराइड है। तो फर्स्ट मोनोसैकेराइड के फर्स्ट कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करता है सेकेंड मोनोसैकेराइड के साथ अटैच फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद इनमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये रिलीज आउट हो जाता है। एंड बिकॉज आपने जब लास्ट वीडियो के अंदर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो उस स्ट्रक्चर में आपने हाइड्रोक्सिल को लोअर पोजिशन पर रखा था, तो हम सेम स्ट्रक्चर वही वाला ड्रॉ कर लेते हैं सो डैट आपको अंडरस्टैंड करना इजी रहे। ठीक है, तो
फर्स्ट मोनोसेक्राइड का फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सल ग्रुप एंड सेकंड मोनोसेक्राइड के फोर्थ पोजीशन पे मौजूद जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये दोनों रिएक्ट करते हैं, और दोनों हाइड्रोक्सल ग्रुप जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। वाटर के मॉलिक्यूल के लिए दो हाइड्रोजन चाहिए होते हैं और एक ऑक्सीजन चाहिए होता है। जो रिमेनिंग एक ऑक्सीजन है वो दोनों इन मोनोसेक्राइड्स को कंबाइन करवा देगा, और कंबाइन करवाने के बाद हमें एक डाइसेक्राइड दे देगा। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये दोनों कंबाइन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट मोनोसेक्राइड का फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड मोनोसेक्राइड का फोर्थ कार्बन एक दूसरे से बाइंड हो गए हैं इस ऑक्सीजन एटम के थ्रू, और ये जो बॉन्ड डिवेलप होता है बेसिकली आपको पता है कि इस कॉर्नर पे भी कार्बन एटम है, इस कॉर्नर पे भी कार्बन एटम है, तो ये जो बॉन्ड डिवेलप हुआ है कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान इसे आप कहते हो कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। एंड बिकॉज ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये फर्स्ट कार्बन के साथ और फोर्थ कार्बन के साथ बना हुआ है, तो इसलिए आप इसे कहते हो कि ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। 1 यहाँ पे किसका है, फर्स्ट मोनोसेक्राइड का फर्स्ट कार्बन, एंड 4 किसके लिए है, सेकेंड मोनोसेक्राइड के फोर्थ कार्बन के लिए। ठीक है, तो दोनों मोनोसेक्राइड में ये किस पोजीशन के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है ये बेसिकली हमने पोजिशन का बताया है कि ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। लास्ट लेक्चर के अंदर जब हम पढ़ रहे थे तो तब मैंने आपको बताया था कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स हैं जो कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेंगी, जो हाइड्रोजन को ऐड करवा सकती हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करवा सकती हैं, और किसी भी इलेक्ट्रॉन की एडिशन भी करवा सकती हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि या तो एक कीटो ग्रुप फ्री होना चाहिए या फिर एक एल्डो ग्रुप फ्री होना चाहिए। कीटो एंड एल्डो ग्रुप फ्री होना चाहिए, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन के साथ आपको पता है कि एल्डो शुगर अटैच होती है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है, बिकॉज ये फर्स्ट वाला जो कार्बन है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में यूज हो गया, तो इट मींस कि इसके साथ जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था वो भी यूज हो गया है। वाइल इस पोजीशन पे अगर हम देखें तो फर्स्ट पोजीशन फ्री है, फर्स्ट पोजीशन के साथ ही एल्डो शुगर हमारी एल्डो शुगर के लिए जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो अटैच हुआ हुआ था, तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो फ्री है, तो इट मींस कि ये वाली जो डाइसेक्राइड हमने बनाया है अभी माल्टोज बनाया है, आल्दो फर्स्ट मोनोसेक्राइड का जो एल्डोज शुगर का एल्डिहाइड ग्रुप था वो यूज़ हो गया है, लेकिन सेकंड मोनोसेक्राइड का एल्डिहाइड ग्रुप अभी भी फ्री है, तो ये वाला जो है ये रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा, इसलिए आप इस माल्टोज को कहते हो कि ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, बिकॉज इसके सेकंड मोनोसेक्राइड के साथ अभी भी एक एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो रिडक्शन के लिए फ्री है। अब हम देख लेते हैं एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर की एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल जो अभी हम एक डाइसेक्राइड के लेंगे वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की है, और वो एग्जांपल है सुक्रोज की। सुक्रोज बेसिकली ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के कंबाइन करने से मिलके बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के कंबाइन करने से मिलके बनेगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप काफ़ी दफ़ा ड्रॉ कर चुके हैं, सो उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं।
फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर भी मोनोसेक्राइड में आपने डिस्कस किया था, और फ्रुक्टोज आल्दो एक हेक्सोज शुगर है बट उसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो भी आपको फाइव कॉर्नर रिंग इस तरह से देता है। लेकिन सुक्रोज की फॉर्मेशन के लिए ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जब कंबाइन करते हैं तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है ये बेसिकली 1-2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। एंड 1-2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मीन्स कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन, वाइल इस वाले में फ्रुक्टोज रिंग के अंदर ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन रिंग के बाहरी वाली साइड पे होता है। तो यहाँ पे लिंकेज जो बनता है ये फर्स्ट मोनोसेक्राइड के फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड मोनोसेक्राइड जो कि फ्रुक्टोज है उसके सेकंड कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के दरमियान रिएक्शन होगा और ये दोनों कंबाइन करके एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद ये जो दोनों रिंग्स हैं ये दोनों इस तरह से कंबाइन कर जाएंगी। और दोनों ने कंबाइन करने के लिए किस लिंकेज को यूज़ किया है, 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को यूज़ किया है। तो अब हम अगर देखेंगे ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था, फ्रुक्टोज के सेकंड कार्बन पे जब आप स्ट्रेट चेन में देखते हो तो उसके सेकंड कार्बन पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप था। अब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के साथ कंबाइन कर गए हैं, इट मींस कि दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप ना तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे फ्री है और ना ही यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप फ्री है, तो इट मींस कि जो सुक्रोज है ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर का कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो फ्री होना चाहिए, चाहे वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है चाहे वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। जैसे हमने पहले एक एग्जांपल माल्टोज की ड्रॉ की थी, उसका फर्स्ट पोजीशन पे जो एल्डिहाइड ग्रुप था आल्दो फर्स्ट के साथ फ्री नहीं था लेकिन सेकेंड मोनोसेक्राइड के साथ वो फ्री था। तो इस डाइसेक्राइड के अंदर बिकॉज दोनों फंक्शनल ग्रुप जो है यूज़ हो रहे हैं कोई फ्री नहीं है, तो ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी, ये रिडक्शन का प्रोसेस जो है ये नहीं करवा सकती। तो ये दो एग्जांपल्स हमने देखी, एक रिड्यूसिंग शुगर की और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। इस तरह से एक थर्ड एग्जांपल अगर हम बात करें लैक्टोज की, तो लैक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है और ये जो लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के कंबाइन करने से मिलके बनती है, ग्लूकोज एंड लैक्टोज के कंबाइन करने से लैक्टोज डाइसेक्राइड बनेगा और इसके दरमियान में भी 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इट मींस कि इसमें भी फंक्शनल ग्रुप फ्री है, तो फंक्शनल ग्रुप फ्री होने की वजह से ये रिडक्शन करवा सकती है लैक्टोज, तो इसलिए आप कहते हो कि लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। तो आज हमने दो रिड्यूसिंग शुगर्स की एग्जांपल देखी और एक हमने नॉन रिड्यूसिंग की एग्जांपल देखी। इसके साथ आपने बाकी जितने भी एटम्स होते हैं वो लिखने होते हैं, जस्ट मैं टाइम शॉर्टेज की वजह से यहाँ पर नहीं लिखती हूँ। ठीक है, ये आपने सारी चीज़ें साथ लिखनी है, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल है वो सेम रहेगा, बस आपने चेंजेस यहाँ पे किए हैं कि ये जो है ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट है, बाकी जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ पे आप हाइड्रोजन लिखोगे, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल है वहाँ पे आप हाइड्रोक्सिल लिखेंगे।
ओके बेटे, सो कोई भी क्वेश्चन है इस डाइसेक्राइड के अंदर तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डाइसेक्राइड मीन्स के हमने दो डिफरेंट शुगर्स को कंबाइन करवाया है और ये शुगर्स बेसिकली मोनोसेक्राइड्स थे, और मोनोसेक्राइड्स डाइसेक्राइड के अंदर आपने दो कंबाइन करवाए हैं, और जिस बॉन्ड के थ्रू कंबाइन करवाए हैं, बॉन्ड का नेम आपने याद रखना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ओके, चलो हाफिज़।